हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्राम दैट रीड एन इंटीजर एंड चेक वेदर इट इज़ ऑड और इवन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि जो ऑड नंबर होते हैं और इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आना चाहिए, रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। लेकिन अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और अगर हमारे पास में कोई रिमाइंडर आ जाता है तो वो क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। तो बस इसी का जो है हमारे पास में यूज़ करते हुए हमारे को लिखना है, प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें मैंने हेडर फाइल को लिखा है यहाँ पे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h और हैशटैग इंक्लूड conio.h। ठीक है, फिर मैंने मेन फाइल जो ली, void मेन फाइल ली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, void main। और उसके बाद में हमारे को क्या रखना होता है, करना पड़ता है, सबसे पहले जो हमारे पास में वेरिएबल है उनको हमको डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में वेरिएबल है वो हमारे पास में क्या है, इंट टाइप के हैं। तो मैं लिख देता हूँ इंट और ए। तो यहाँ पे हमारे पास में एक कोई भी वेरिएबल है जिसके अंदर जो है हम वेरियस टाइप के नंबर जो है इंटीजर नंबर स्टोर कर सकते हैं, और उसी बाद में हम देखेंगे कि वो है ओड है या फिर इवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में वेरिएबल है उसमें हम कोई भी इंटीजर नंबर को एंटर कर लेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ, नेक्स्ट लाइन एंटर एनी इंटीजर। तो यहाँ पे हम कोई भी इंटीजर एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट देंगे और उसके बाद में हम उस इंटीजर को क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे, स्कैन एफ फंक्शन से। ठीक है, और यहाँ पे हम किसे यूज़ करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का जिसमें हमारे को जो इंटीजर है वो चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इंटीजर एंटर होगा उसको स्टोर करा लेंगे किसके अंदर, वेरिएबल ए के अंदर। और हर बार आपको सेमी कोलन का यूज़ करना है ताकि जो हमारे पास में इंस्ट्रक्शन है वो एंड हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास में इंटीजर आ जाएगा तो उसको अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि वो हमारे पास में ओड है या फिर इवन है। तो यहाँ पे मैं किसे यूज़ कर रहा हूँ, इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। तो इफ़ के अंदर मैं कंडीशन लिख देता हूँ, अगर ए परसेंट टू। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो साइन है ये क्या है, मॉड्यूलो ऑपरेटर है। इसके बारे में हमने जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर में डिस्कस करा था। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी हमारे पास में यह नंबर है उससे जो ये नंबर होगी उसको डिवाइड करेगा और यहाँ पर आपको रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो अगर हमारे पास में जो रिमाइंडर आता है वो इक्वल टू होता है 0 के। यहाँ पे डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं हम रिलेशन चेक करने के लिए। तो अगर यहाँ पे जो हम 2 से डिवाइड करते हैं और अगर जो यहाँ पे रिमाइंडर आता है वो इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमारे को प्रिंट कराना है, ठीक है। अगर हमारे पास में जो रिमाइंडर आता है वो 0 के इक्वल है तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे गिवन इंटीजर इज़ इवन। तो इसी कंडीशन में हमारे पास में जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, इवन होगा। ध्यान रखना है आपको कि अगर हमारे पास में जो इफ़ स्टेटमेंट होता है जस्ट उसके बाद में हम कोई स्टेटमेंट लिखेंगे तो जो इसकी कंडीशन है अगर वो अप्लाई हो जाती है, ट्रू होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो होगा प्रिंट होगा। अगर हमको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट इस कंडीशन के अंदर लिखने हैं तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक बनाएंगे और उसके अंदर जो है हम लिखेंगे जितने भी हमारे पास में स्टेटमेंट है। अब इसके बाद में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम क्या करेंगे, एल्स जो है उसका यूज़ करेंगे, एल्स। और हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे जो हमारे पास में दूसरी प्रोबेबिलिटी है उसको प्रिंट करवा देंगे कि जो हमारे पास में इंटीजर होगा वो क्या होगा, ओड होगा। तो गिवन इंटीजर इज ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास में इंटीजर होगा वो क्या होगा, ओड होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम गेट करेक्टर जो है फंक्शन उसका यूज़ करेंगे और जो हमारा कोड है उसको एंड कर देंगे। तो इस तरह से ये कोड जो है आपको क्या करेगा, कोई भी एक इंटीजर आप एंटर करवा सकते हो, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में जो भी आपके पास में इंटीजर होगा उसमें वो 2 का डिवाइड करेगा। अगर वो हमारे पास में रिमाइंडर 0 आता है तो वो क्या होगा, इससे जो होगा इसके बीच में रिलेशन चेक कर लेगा, और अगर वो रिलेशन 0 के इक्वल है तो क्या होगा, प्रिंट एफ का यूज़ आपने किया है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि हमारे पास में गिवन इंटीजर जो है इवन है और ये कंडीशन चेक नहीं होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा और आपका जो गिवन इंटीजर होगा वो क्या होगा, ओड होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे पास में जो इंटीजर है वो इवन है या फिर ओड है। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।